हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर बी वी जैमिनी। मैं आपको एडवांस कैलकुलस पढ़ा रहा हूँ, जिसमें अपना मैक्सिमम मिनिमम पिछले लेक्चर पे अपन ने स्टार्ट कर दिया था। उसके वर्किंग रूल्स भी मैंने आपको बता दिया था कि किसी भी फंक्शन के लिए किस बिंदु पर मैक्सिमम वैल्यू होगी या किस बिंदु पर मिनिमम वैल्यू होगी। चाहे मैक्सिमम हो चाहे मिनिमम हो, वो एक्सट्रीम वैल्यू होती है उस फंक्शन की उस बिंदु पर, तो उसको ही मैक्सिमम मिनिमम बोलते हैं। किसी फलन के लिए मैक्सिमम मिनिमम ज्ञात करना, ठीक है बच्चों। उस पर आधारित मैंने एक क्वेश्चन भी आपको करके बताया था, वर्किंग रूल्स स्टेप्स बताए थे, फिर उस इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए अपन ने एक क्वेश्चन भी किया था। उसके बाद में मैंने आपको कहा था कि भी आप लोग करने की कोशिश करें घर पर, इन वर्किंग रूल्स को फॉलो करके, इन स्टेप्स को फॉलो करके आप कुछ क्वेश्चन सॉल्व करें। आपने क्वेश्चंस को सॉल्व भी करे होंगे। आपकी मदद के लिए कुछ पैटर्न्स मैंने सेलेक्ट किए हैं, उन पैटर्न्स पर आधारित जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको और भी करके बताता हूँ, फिर आप इस तरीके के क्वेश्चंस घर पर करने की कोशिश करें, ठीक है बच्चों। तो कुछ क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें फलन आपको दे रखा है यू इज इक्वल टू साइन एक्स साइन वाई इंटू साइन एक्स प्लस वाई, ठीक है। इस फलन के लिए ये कह रहा है कि उच्चतम मान ज्ञात कीजिए, ठीक। तो आप रिकॉल कर लें अपने उन स्टेप्स को कि अपन ने क्या किया था, ठीक है। तो वहाँ पर से अपन ने सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे, फिर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे, फिर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स आएंगे उनको अपन जीरो के बराबर इक्वेट करेंगे, उनसे दो इक्वेशंस मिलेगी अपने को, ठीक है बच्चों। उन दोनों इक्वेशंस को अपन सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे, उससे बिंदु मिल जाएंगे अपने को, ठीक है। उन बिंदुओं पर अपन सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की कुछ कंडीशंस है जो नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशंस मैंने आपको बताई थी, वो चेक करेंगे। उनके आधार पर हम निर्धारित करेंगे कि ये जो फंक्शन है उस बिंदु पर मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, ठीक है बच्चों। ये स्टेप्स आपको मैंने थोड़ा सा रिकॉल करने के लिए बता दिए। अब अपन इस क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। अब आपको फलन दे रखा है यू इज इक्वल टू साइन एक्स साइन वाई साइन एक्स प्लस वाई, जो समीकरण नंबर 1 में मैंने आपको शो कर रखा है। तो अपन इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकालते हैं, ठीक है। पार्शियल डेरिवेटिव डेल यू डेल एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो साइन वाई है ये कॉन्स्टेंट की तरह बिहेव करेगा, और साइन एक्स इंटू साइन एक्स प्लस वाई है, ये इसको प्रोडक्ट टूल से अपन ने डिफ्रेंशिएट कर दिया। तो साइन एक्स फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव कॉस एक्स प्लस वाई हो गया, प्लस साइन एक्स प्लस वाई एज इट इज, और साइन एक्स का कॉस एक्स हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने इसको डेल यू डेल एक्स निकाल दिया। तो इसको अपन जब ट्रिग्नोमेट्रिकल जो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, इस फॉर्मूले से मैंने इसको साइन एक्स प्लस वाई लिख दिया। तो अल्टीमेटली डेल यू डेल एक्स क्या आ गया आपके पास में, साइन वाई इंटू साइन टू एक्स प्लस वाई, जो मैंने समीकरण नंबर 2 में आपको दिखा रखा है डेल यू डेल एक्स, ठीक है। इसी तरीके से अपन डेल यू डेल वाई भी निकालेंगे। तो इसी प्रकार समीकरण 1 से y के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर दें अपन इसका, तो डेल यू डेल वाई क्या हो जाएगा, साइन x तो एक कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, और जो साइन y है वो एज इट इज मान लिया मैंने, और साइन जो x प्लस वाई है उसका cos x प्लस वाई हो गया, प्लस cos y साइन y का cos y हो गया, और साइन x प्लस वाई को एज इट इज मान लिया। तो ये मैंने आपको प्रोडक्ट रूल से डिफ्रेंशिएट करके बता दिया। तो अल्टीमेटली जो इसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूला लग जाएगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो इससे ये साइन वाई प्लस एक्स प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है, अंदर वाला जो ये मंझले ब्रैकेट में दे रखा है। तो अल्टीमेटली डेल यू डेल वाई क्या मिला अपने को, साइन एक्स प्लस टू वाई, जो समीकरण नंबर 3 में मैंने आपको दे रखा है। तो अपने को डेल यू डेल एक्स मिल गया और डेल यू डेल वाई मिल गया। अब अपन क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, इसका इन दोनों को जीरो के बराबर इक्वेट कर देंगे। तो वहाँ से अपने को समीकरण नंबर 4 और समीकरण नंबर 5 दो एक्स वाई में समीकरण मिल गई। अब दो ही अननोन है, दो ही समीकरण है, तो इससे अपन एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे समीकरण नंबर 4 और 5 से, ठीक है बच्चों। तो आप यदि देखते हैं तो 0 0 पर ये 4 और 5 समीकरण संतुष्ट होती है, ठीक है। और दूसरा इन समीकरणों से अपन यदि निकालेंगे तो ये टेन एक्स इज इक्वल टू टेन वाई मिलेगा, दिस इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू पाई बाई थ्री। तो ये एक दो वैल्यूज आ गई अपने, मतलब दो बिंदु आ गए, एक तो 0 0 आ गया और एक पाई बाई थ्री आ गया, ठीक है। दो बिंदु पर अपन इनको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स
चेक करेंगे, ठीक है। तो 0 0 पर और पाई बाई थ्री पर अधिकतम है या न्यूनतम है ये अपन चेक करते हैं। तो बिंदु 0 0 पर पहले तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। आप ध्यान देंगे जो फंक्शन की वैल्यू समीकरण नंबर 1 में आपको दे रखी है, ठीक है, साइन एक्स साइन वाई साइन एक्स प्लस वाई, ये 0 0 पर आप ध्यान देंगे तो सारे साइन 0 हो जाएंगे, तो यू की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। तो ये न्यूनतम वैल्यू मिलेगी अपने को, ठीक है। अब बिंदु पर चेक करते हैं पाई बाई थ्री और पाई बाई थ्री पर। इस बिंदु पर अपन सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव चेक करेंगे, तो सबसे पहले तो अपन सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लेते हैं समीकरण 2 और 3 से, ठीक है। ये ए बी सी मैंने आपको बता ही दिया, ए होता है डेल स्क्वायर यू डेल एक्स स्क्वायर, बी होता है डेल स्क्वायर यू डेल एक्स डेल वाई, और सी होता है आपका डेल स्क्वायर यू डेल वाई स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले अपन ए बी और सी इस फंक्शन के लिए निकालते हैं। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपने निकाल रखे हैं, ठीक है, समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 3 में, ठीक है। डेल यू डेल एक्स 2 में निकाल रखा है, डेल यू डेल वाई 3 में निकाल रखा है, तो इनको आगे डिफ्रेंशिएट करते हैं अपन सेकंड डेरिवेटिव के लिए, ठीक है बच्चों। तो डेल स्क्वायर यू डेल एक्स स्क्वायर क्या मिल जाएगा आपको, 2 sin y (cos 2x + y), ठीक है। इस पे इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं अपन पाई बाई थ्री बिंदु पर, वो आपकी a के बराबर हो जाएगी, ठीक है बच्चों। तो मैंने ये वैल्यू रख दी आपको, तो 2 sin π/3 (cos 2π/3) + π/3 ये वैल्यू मिल गई। तो अल्टीमेटली a की वैल्यू आपकी 2 sin π/3 (cos π) मिल गया, ठीक है। इनमें मैंने sin पाई बाई थ्री और cos पाई की वैल्यू रख दी, तो अल्टीमेटली जो a है आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x एट द पॉइंट π/3 दैट विल बी अंडर रूट ऑफ 3 माइनस का मिलेगा अपने को, ठीक है। तो ए की वैल्यू मिल गई, इसी तरीके से बी की निकालेंगे और सी की निकालेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड में अपन बी क्या है आपका, डेल स्क्वायर यू डेल एक्स डेल वाई, तो जो डेल यू डेल एक्स उसको वाई के रेस्पेक्ट में अपन एक बार डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। सेकंड जो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 2 है, उसको डेल वाई के रेस्पेक्ट में अपन पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो डेल स्क्वायर यू डेल एक्स डेल वाई क्या मिल गया आपको, साइन वाई कॉस 2x + y प्लस कॉस वाई साइन 2x + y, ठीक है। अब ये साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी के फॉर्मूले से मैंने इसको ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूले से क्या लिख दिया, साइन 2x + 2y, ठीक है बच्चों। ये मिल गया अपने को डेल स्क्वायर यू डेल एक्स डेल वाई। इसको बी से रिप्रेजेंट करते हैं अपन, तो बिंदु पाई बाई थ्री पर इसकी वैल्यू मैंने जब निकाली तो ये आ गया साइन 2π/3 + 2π/3, ठीक है। तो साइन 4π/3 मिल गया। इसकी साइन की वैल्यू जब अपन निकालेंगे तो ये आएगी -√3/2, जो मैंने आपको ये बी दिखा रखा है, ठीक है। तो बी की वैल्यू होगी -√3/2। इसी तरीके से अपन सी निकालेंगे, ठीक है, डबल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू वाई। तो डेल यू डेल वाई अपने को समीकरण नंबर 3 में दे रखा है, उसको एक बार और डिफ्रेंशिएट कर देंगे वाई के रेस्पेक्ट में, ठीक है। वो आपको डेल स्क्वायर यू डेल वाई स्क्वायर आ जाएगा, तो ये मैंने आपको ऊपर निकाल के बता रखा है, ठीक है। तो ये डेल स्क्वायर यू डेल वाई स्क्वायर में एक्स की जगह पाई बाई थ्री और वाई की जगह भी पाई बाई थ्री रख देंगे, तो इस बिंदु पर सी की वैल्यू आ जाएगी, और वो वैल्यू मिली आपको C = −√3, ठीक है बच्चों। तो ए बी सी की वैल्यू अपन को बिंदु पाई बाई थ्री पर प्राप्त हो गई है। इन वैल्यूज से अपन चेक करते हैं कंडीशंस, जो पर्याप्त कंडीशंस हैं और सफिशियंट एंड नेसेसरी कंडीशन है। तो उसमें ए सी माइनस बी स्क्वायर चेक करना होता है अपने को, तो ए की वैल्यू रख दी, सी की वैल्यू रख दी और बी की भी वैल्यू रख दी, तो उससे ए सी माइनस बी स्क्वायर का जो वैल्यू है वो अल्टीमेटली 9/4 आया, ठीक है। अब ये तो पॉजिटिव है, इसका मतलब है ए सी माइनस बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब ये पॉजिटिव आ गया तो या तो उच्चिष्ठ होगा इस पर या फिर निम्निष्ठ होगा ये बिंदु पाई बाई थ्री। तो इसका कैसे पता करेंगे अपन, जो ए है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स वो क्या है, तो उस वो तो -√3 है, मतलब नेगेटिव है, ठीक है। तो ए इज लेस देन 0 मिल गया, ठीक है। तो जब ए इज लेस देन 0 होता है तो इसका मतलब ये आपका मैक्सिमा होगा, ठीक है। तो आपका ये पता चल गया कि पाई बाई थ्री आपका मैक्सिमा है ये बिंदु, ठीक है। तो इस बिंदु पर अपन फलन की वैल्यू निकाल लेते हैं पाई बाई थ्री पर आपका मिल गया sin π/3 (sin π/3) (sin π/3) + π/3, और अल्टीमेटली इसकी जो वैल्यू निकाल करके मैं रखूँगा तो ये 3√3/8 मिलेगी, ठीक है। तो इस तरीके से फंक्शन का वैल्यू उच्चिष्ट जो बिंदु है π/3 पर, उस पर 3√3/8 प्राप्त हो गया। तो अब इस क्वेश्चन में अपने को पता चल गया, ठीक है,
ठीक है, ए सी इज माइनस बी स्क्वायर को चेक कर लिया, फिर अपने ये ए है उसको चेक कर लिया, तो उससे अपने को स्थिति पता चल गई इस बिंदु की कि है आपका मैक्सिमा भी पॉइंट होगा, अधिकतम बिंदु इस फलन पे, इस बिंदु पर फलन की प्राप्त होगी, और वो फलन के बिंदु भी मैंने इस पे प्राप्त करके आपको दिखा दिए। तो इस तरीके के सवाल करते हैं अपन। एक सवाल और दिखाते हैं मैं नेक्स्ट पैटर्न पर आपको, ठीक है, तो उससे आपको मैक्सिमम मिनिमम काफ़ी क्लियर हो जाएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर टू है बच्चों, इसमें आपको दे रखा है कि जो फलन एक्स क्यू वाई स्क्वायर इंटू वन माइनस एक्स माइनस वाई, इसके लिए उच्चिष्ट और निम्निष्ट ज्ञात करने हैं, ठीक है बच्चों। तो प्रोसेस तो वही है, स्टेप्स वही है, आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं अपन, ठीक है, डेल यू डेल एक्स, फिर उनको जीरो के बराबर इक्वेट करते हैं, उनसे दो जो अपने को इक्वेशंस मिलेंगे उनसे एक्स वाई के मान निकालते हैं, वो बिंदु प्राप्त हो जाते हैं, उन बिंदुओं पर अपन सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू चेक करते हैं, फिर पर्याप्त और जो नेसेसरी सफिशियंट कंडीशंस है उनके आधार पर अपन निर्धारित करते हैं कि जो बिंदु प्राप्त होंगे वो उच्चिष्ट होंगे या निम्निष्ट होंगे, राइट। तो अपन इस सवाल को करते हैं। माना फलन यू इज इक्वल टू एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स क्यू वाई स्क्वायर और वन माइनस एक्स माइनस वाई, समीकरण नंबर एक में जो दे रखा है उसको मैंने फलन को इस तरीके से रख लिया। अब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो डेल यू डेल एक्स मिलेगा, तो डेल यू डेल एक्स क्या मिल गया, थ्री एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू वन माइनस एक्स माइनस वाई प्लस एक्स क्यू वाई स्क्वायर इंटू माइनस वन, प्रोडक्ट रूल से, ठीक है बच्चों। तो ये समीकरण नंबर दो में अपने को डेल यू डेल एक्स मिल गया। इसी तरीके से मैं यदि समीकरण नंबर एक में दिए हुए फलन को वाई के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो डेल यू डेल वाई मिलेगा, और वो मिला हमें टू एक्स क्यूब वाई इंटू वन माइनस एक्स माइनस वाई प्लस सेकेंड टर्म मिल गई एक्स क्यूब वाई क्यूब इंटू माइनस वन, ठीक है। ये समीकरण नंबर तीन में आपको डेल यू डेल वाई मिल जाएगा। अब अपन दोनों को, दो नंबर और तीन नंबर समीकरण को जीरो के बराबर इक्वेट कर देते हैं, तो अपने को समीकरण नंबर चार और समीकरण नंबर पाँच प्राप्त हुई, ठीक है। एक्स वाई में दो समीकरण मिल गई, इनको अपन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, तो उससे अपने को एक्स वाई के मान मिलेंगे। तो सॉल्व कैसे करते हैं, मैं समीकरण नंबर चार में से समीकरण नंबर पाँच को घटा देता हूँ, ठीक है। तो उससे आपको ये इक्वेशन मिल गई एक्स स्क्वायर वाई वन माइनस एक्स माइनस वाई इंटू थ्री वाई माइनस टू एक्स इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। यहाँ से दो फैक्टर मिले हैं अपने को, तो मैंने थ्री वाई माइनस टू एक्स फैक्टर को इक्वल टू जीरो करा, तो यहाँ से अपने को वाई टू वाई थ्री एक्स मिल गया। समीकरण नंबर छः में वाई की वैल्यू प्राप्त हो गई एक्स की टर्म्स में, ठीक है। इस वाई की वैल्यू को मैं किसी भी इक्वेशन में, चार नंबर या पाँच नंबर में किसी में भी रख देता हूँ, तो उस एक्स में कोई इक्वेशन मिल जाएगी, वहाँ से अपन एक्स प्राप्त कर लेंगे, ठीक है बच्चों। तो वाई का मान समीकरण छः से समीकरण चार में मैंने रख दिया, ठीक है। समीकरण छः वाई इज इक्वल टू टू बाई थ्री एक्स है, इसको मैंने समीकरण नंबर चार में रख दिया, तो कोई जो इक्वेशन मिली वो एक्स में मिल गई, मैंने उसको सॉल्व किया, तो लास्ट में आपको दिख रहा है कि थ्री माइनस सिक्स एक्स कोई फैक्टर आएगा, उसको मैंने जीरो से इक्वेट करा, तो एक्स की वैल्यू यहाँ से निकल के आई वन बाई टू, जो मैंने समीकरण नंबर सात में दे रखा है। तो एक्स इज इक्वल टू वन बाई टू आ गया, तो इसका मतलब समीकरण नंबर छः से वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। वाई है वाई इज इक्वल टू टू बाई थ्री इंटू एक्स, और एक्स की वैल्यू है वन बाई टू, तो अल्टीमेटली वाई की वैल्यू क्या मिल गई आपको, वन बाई थ्री, जो समीकरण नंबर आठ में मैंने आपको शो रख कर रखा है। तो एक्स जो बिंदु क्या मिल गया आपको, एक्स इज इक्वल टू वन बाई टू और वाई इज इक्वल टू वन बाई थ्री, तो वन बाई टू और वन बाई थ्री एक बिंदु प्राप्त हो गया। इस बिंदु पर अपन उच्चिष्ट और निम्निष्ट ज्ञात करते हैं, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट स्लाइड में आपको मैंने दिखा रखा है कि सबसे पहले तो अपन इनके सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे ए बी सी, फिर उस बिंदु पर अपन उनकी मान निकालेंगे, फिर अपन पर्याप्त और जो नेसेसरी सफिशियंट कंडीशन है उसके आधार पर इसको डिसाइड करेंगे। तो सबसे पहले समीकरण नंबर दो और समीकरण नंबर तीन में जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उनका, उनसे अपन सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं। तो समीकरण नंबर दो में जो डेल यू डेल एक्स दे रखा है उसको एक्स के रेस्पेक्ट में मैंने एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दिया, तो डेल स्क्वायर यू डेल एक्स स्क्वायर क्या मिल गया आपको, ये मिल गया जो मैंने आपको सॉल्व करके लास्ट में लिख रखा है, सिक्स एक्स वाई स्क्वायर वन माइनस टू एक्स माइनस वाई, ये प्राप्त हो जाएगा। तो इसको मैं ए कहूँगा, इस पे के मैं अपन बिंदु पर वैल्यू भी निकालेंगे बाद में, वो देखेंगे। तो अब अपन डेल स्क्वायर यू डेल एक्स डेल वाई निकालते हैं, ठीक है। समीकरण नंबर दो में जो डेल यू डेल एक्स दे रखा है उसको वाई के रेस्पेक्ट में मैं एक बार आंशिक अवकलन करेंगे, तो ये चीज़ अपने को मिल जाएगी। इसको मैंने थोड़ा सा आगे सॉल्व करके बता दिया आपको, तो अल्टीमेटली डेल स्क्वायर यू डेल एक्स डेल वाई आपको मिला एक्स स्क्वायर वाई इंटू सिक्स माइनस एट एक्स माइनस नाइन वाई, ठीक है बच्चों। ये अपन जानते हैं कि डेल यू स्क्वायर यू डेल एक्स डेल वाई बी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ए और बी प्राप्त हो गए अपने को,
फिर मैं सी के लिए बात करता हूँ, तो जो डेल यू डेल वाई आपके समीकरण नंबर 3 में दे रखा है उसको मैंने एक बार और वाई के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिया, तो ये डेल स्क्वायर यू डेल वाई स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, ये अपना सी होता है कैपिटल सी। तो सॉल्व करने के बाद में कैपिटल सी मिल गया आपको 2x³ × 1 − x − 3y। तो ए बी और सी की वैल्यू अपन को प्राप्त हो गई। अब इस बिंदु पर अपन ए बी सी की वैल्यू निकालते हैं, 1/2 और 1/3 जो बिंदु अपने को प्राप्त हुआ है उस पर इनकी ए बी सी की वैल्यू निकालते हैं, मतलब एक्स की जगह 1/2 रख देंगे और वाई की जगह 1/3 रख देंगे अपन। तो ए क्या मिलेगा आपको, कैपिटल ए इस बिंदु पर मैंने आपको निकाल के बता रखा है, ये प्राप्त होगा इक्वल टू −1/9। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से जो बी है डेल स्क्वायर यू डेल एक्स डेल वाई है उसकी वैल्यू अपन ने निकाल के बता रखी है आपको। ठीक है, बी भी निकाल के बता रखा है। ठीक, डेल स्क्वायर यू डेल एक्स डेल वाई ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर वाई इंटू 6 − 8x − 9y। इसमें एक्स इक्वल टू 1/2 रख दिया और वाई इक्वल टू 1/3 रख दिया, तो इससे बी मिल गया आपको। ठीक है बच्चों, तो बी क्या मिल गया अल्टीमेटली −1/12 मिल गया। ठीक, इसी तरीके से मैं सी भी कैलकुलेट करूँगा। सी आपका है डेल स्क्वायर यू डेल वाई स्क्वायर। ठीक है, ये है इसकी वैल्यू 2x³ × 1 − x − 3y। ठीक है, इसमें मैं x इक्वल टू 1/2 y इक्वल टू 1/3 रखूँगा, तो ये कैपिटल सी क्या आ गया इस बिंदु पर, इस बिंदु पर कैपिटल सी की वैल्यू निकल के आई −1/8। तो कहने का मतलब ये है कि बिंदु 1/2 1/3 पे अपन ने कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी की वैल्यू निकाल ली, मिल गई अपने को। तो अपन कंडीशन चेक करते हैं, मतलब ए सी माइनस बी स्क्वायर को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो ए सी माइनस बी स्क्वायर में ए सी बी सब की वैल्यू मैंने रख दी है अभी जो ऊपर निकाली उनको, तो इससे जो वैल्यू निकल के आएगी आप ध्यान देंगे इसको कैलकुलेट करने के बाद में, तो ये पॉजिटिव आएगी। ठीक है, ए सी माइनस बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब ये बिंदु या तो मैक्सिमा होगा या मिनिमम होगा। अब इससे ये किससे पता चलेगा अपने को, ये पता चलेगा इस बिंदु पर ए की वैल्यू से। तो ए की वैल्यू इस बिंदु पर क्या है, −1/9 है, मतलब नेगेटिव है, तो ए इज लेस देन 0। ठीक है, तो जब ए की का मान 0 से कम होता है तो ये आपका उच्चिष्ट होता है, मैक्सिमम वैल्यू होती है, मैक्सिमा होता है। ठीक है, तो ये जो 1/2 और 1/3 जो बिंदु है इस पर फलन का मान उच्चिष्ट होगा। ठीक है बच्चों, तो ये मैक्सिमा हो गए, और इस पर फलन की वैल्यू मैंने आपको जब निकाल करके बता रखी है u 1/2 और 1/3 पर, ये आपका 1/432 आ गई। ठीक है, ये फलन की वैल्यू इस उच्चिष्ट पर प्राप्त हो गई। तो इस तरीके के सवाल, पीछे वाला सवाल भी इस तरीके से मैंने आपको करके बताया, वो थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के लिए था, और ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है ये मैंने आपको कार्टेशियन फॉर्म में जो एक्स वाई का फंक्शन होता है उसके लिए मैंने आपको निकाल करके बताया, उच्चिष्ट निम्निष्ट कैसे चेक करते हैं। ठीक है, तो ये एक तरीके से आपको प्रैक्टिस हुई इन दोनों सवालों से। आप और भी सवाल लेकर के अपनी एक्सरसाइज में सॉल्व करें। ठीक है बच्चों, कि उच्चिष्ट कैसे निकालेंगे, निम्निष्ट कैसे निकालेंगे, ए बी सी कैपिटल निकालिए उन बिंदुओं पर, फिर आप कंडीशंस चेक करिए कि ए सी माइनस बी स्क्वायर नेगेटिव है पॉजिटिव है। ठीक है, तो यदि पॉजिटिव है तो आपको उच्चिष्ट निम्निष्ट याद करने पड़ेंगे उस पर। ठीक है, तो उससे आपको जो कैपिटल है उसकी स्थिति पता करनी पड़ेगी उस बिंदु पर कि वो नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, उससे आपको उच्चिष्ट निम्निष्ट प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये इस तरीके के सवाल हैं इसमें मैक्सिमम मिनिमम जो चैप्टर है, तो आप उनको करने की कोशिश करिए। नेक्स्ट टर्न पे अपन नेक्स्ट आर्टिकल लेंगे ये मैक्सिमम मिनिमा का। ठीक है, तो आज इतना ही करेंगे बच्चों। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।